गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन यूर एस एस क्लास स्टूडेंट लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने नया चैप्टर हिस्ट्री का सॉरी सोरेजोग्राफी का शुरू किया था ह्यूमन एन्वायरमेंट इंट्रेक्शंस जहाँ पर हमने ट्रॉपिकल एंड ट्रोपिकल जो पीपल है उनके बारे में डिस्कस करना था तो हम लास्ट वीडियो लेक्चर में ट्रॉपिकल रीजन के बारे में डिस्कस कर चुके थे मीन्स हमने डिस्कस कर लिया था अमेजोन बेसिन के बारे में कि अमेजोन एरिया कहाँ पर था तो हम साउथ अमेरिका का जो अमेजोन एरिया था जो कि अमेजन रिवर के, के आसपास में मिलता है अगर की बात करते हैं नॉर्थ तो और टेन डिग्री साउथ के अंदर जो पार्ट बनता है वो आपका अमेजोन बेसिन था इट इज अ ट्रॉपिकल जोन एरिया एंड यू कैन से नियर द इक्वेटर जोन एरिया सो द क्लाइमेटिक कंडीशन इज वेरी हॉट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन and if we think about the forest area the rain forest area and you can say tropical evergreen forest are found in this region so hum is cheez ko already discuss kar chuke hain chapter mein hame kya kya karna hai tropical and subtropical region so today we will discuss about the subtropical zone जहां पर हम बात करेंगे life in the Ganga Brahmaputra basin. ठीक है हम जहां पर इसके विषय में बात करेंगे normally. तो आज के वीडियो लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द द लाइफ इन गंगा बेसिन। अगर मैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करता हूं तो ये हमारे इंडिया का बेसिन बेसिन बनता है एंड इन इंडिया इट इज द लार्जेस्ट बेसिन जो अगर हम बात करेंगे ठीक है जैसे कि हमने अमेजोन बेसिन के बारे में पढ़ा था इट वॉज सॉरी इट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम एंड यू कैन से रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड और हमारे इंडिया का जो रहेगा वो रहेगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन ठीक है थोड़ा सा हम देखते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो एरिया है उसके अंदर जो पीपल है वो हाउ दिस स्पेंड देयर लाइफ तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है किस प्रकार की वेजिटेशन यहाँ पर मिलती है ये सब बात करेंगे स्टूडेंट लिसा एंड ब्रपु ग्रीवर की है उस एरिया की हम बात करें नॉर्मली अगर मैं बात करूंगा जो हमारा नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया है ये सारा का सारा आपका गंगा एरिया में आता है अगर मैं ब्रह्मपुत्र की बात करता हूँ ब्रह्मपुत्र जो है ये हमारी जो निकलती है

और ये हिमालय के पैरलर हिमालय के नॉर्थ में हिमालय के पैरलर चलती है और अरुणाचल प्रदेश से ये हमारे इंडिया में एंटर करती है ठीक है वहां से वो हमारे इंडिया में एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश मेघालय आसाम ठीक है ये सारा जो एरिया है ये इसका आप कह सकते हो इसका इस रिवर का बेसिन है इस रिवर के द्वारा जो ड्रेन किया गया एरिया है वो ये है अगर मैं गंगा की बात करता हूं गंगा इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड ठीक है उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में आती है जहां पर अलाहाबाद में ये आप कह सकते यमुना रिवर से मिलती है ठीक है आगे चलती हुई ये बांग्लादेश में जाती है उधर से भी बांग्लादेश में एंटर करती है तो ये दोनों ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों बांग्लादेश में जाकर मिलती है और उसके बाद ये बेव बंगाल में जाकर गिरती है तो वहां पर ये एक डेल्टा बनाती है जो विश्व का या कह सकते वर्ल्ड का सबसे बड़ा या लार्जेस्ट डेल्टा कहलाता है सुंदरवन डेल्टा ठीक है तो इस तरीके से अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं तो जो नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया है वो सारा का सारा अगर मैं बात करूंगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आता है ठीक है द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टूगेदर बेसिन दैट इज कॉल्ड गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड इट इज लोकेटेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ठीक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इनका बेसिन मिलता है अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मैं बात करता हूँ तो नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया जो टोटल पार्ट है वो आपका क्या होगा गंगा बेसिन कहलाएगा मिंस इसके अंदर मैं अगर बात करता हूं, तो इसके अंदर हमारा, जो, इसके अंदर अंदर हमारा हमारा जो जो अगर मैं बात करूंगा हरियाणा उत्तर प्रदेश ठीक है सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड यू कैन से बिहार झारखंड वगैरह ये सारे के ये सारे के सारे पार्ट ये सारे के सारे जो पार्ट है ये इसके अंदर आते हैं

ठीक है तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन एरिया में मिलते हैं ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा अब रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी क्या है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी तो है यमुना रिवर इसके बाद गंडक सोन चंबल बेतवा कोसी दीज आर अदर ट्रिब्यूटरीज दीज आर स्मॉल ट्रिब्यूटरीज यू कैन से ये सारा का सारा एरिया एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर ये टोटल जो होल एरिया है इट वॉज द गंगा ब्रह्मपुत्र

ठीक है ये टोटल जो है वो इसकी मेन फीचर्स है नाउ ओक्सबो लेक डोंट द डोंट द प्लेन एरिया अब ओक्सबो लेक क्या कहलाती है ठीक है रिवर जो चलती है वो चलती है सरपीले आकार में ठीक है जिसकी वजह से अगर मैं बात करता हूं तो वो दैट इज कॉल्ड मिंडर आल्सो तो उस सिचुएशन में क्या होता है नदी के जो का जो पानी है वो क्या करता है किनारों को काटता रहता है और कई बार क्या होता है एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो आपका बच जाता है ठीक है अलग अलग से से पानी का मेन रिवर के चैनल हो जाता है तो वो आपकी ओक्सबो लेक कहलाती है सो द एरिया इज डोमिनेटेड बाई द मानसून क्लाइमेटिक कंडीशन मीन्स अगर हम इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करता हूँ तो दिस एरिया इज हैज द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन सो

ठीक है तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा है सब ट्रॉपिकल जोन जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया के अंदर आता है ओके गाइस नाउ लुक एट द मैप जो हमने अभी फिगर नंबर 8.8 में देखा तो जहां पर देखा था कि कौन कौन से स्टेट में आया तो स्टेट मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि हरियाणा सम पार्ट हरियाणा उत्तराखंड मीन उत्त, और उत्तर प्रदेश सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश बिहार झारखंड सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल ये टोटल स्टेट जो है वो गंगा के द्वारा कवर होती है एंड इफ वी थिंक अबाउट ब्रह्मपुत्र तो आसाम अरुणाचल प्रदेश मेघालय जो ये वाला जो एरिया है ये सारा एरिया जो होता है ब्रह्मपुत्र में आता है तो इस प्रकार से टोटल होल नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है ठीक है एंड इफ इवी थिंक अबाउट द टोपोग्राफी टोपोग्राफी इट मीन द लैंड फॉर्म्स अगर मैं लैंड फॉर्म्स की बात करता हूँ तो लैंड फॉर्म्स ऑफ दिस बेसिन इज वैलिड

ठीक है कहां पर पॉपुलेशन मोस्ट क्राउडली एरिया होगा या कह सकते हो तो कहां पर सेपरेसली होगा या कहां पर मोडरेट मैनर से आप कह सकते हो पॉपुलेशन मिलेगी तो ये डिपेंड करता है कि एनवायरमेंट कैसा है द माउंटेन एरियाज विद डीप स्लोप है हॉस्पिटेबल टेरेन मीन्स ये इट इज नॉट सुटेबल फॉर दॉपुलेशनजन यू कैन लेस नंबर ऑफ द पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र यही कारण है कि बहुत ही कम अगर पॉपुलेशन है गंगा ब्रह्मपुत्रा का वो एरिया जो की माउंटेनिक एरिया है या माउंटेन वाला एरिया है वहां पर मिलते हैं प्लेन एरिया इट प्रोवाइड मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर द कल्टीवेशन एंड अबाउट द क्लाइमेटिक जोन ऑल्सो तो वहां पर आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी तो इस आधार पर अगर मैं बात करता हूँ वो एरिया जहां पर प्लेन एरिया आता है वहां पर आपको पॉपुलेशन अधिक मात्रा में मिलेगी अगर मैं नॉर्थन प्लेन एरिया की बात करता हूँ तो, uh, uh, तो जिसकी वजह से fertile, है? तो मेन ऑक्यूपेशन क्या रहेगा वहां के व्यक्तियों का एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्युपेशन फ्रॉम व्हिच द पीपल गेट देयर लाइवलीहुड पीपल जो है अपनी लाइवलीहुड अर्न करेंगे ठीक है अब क्रॉप्स की मैं बात करूंगा तो हर एक मैक्सिमम मैक्सिमम टाइप की क्रॉप्स वहां पर लाइक राइस स्वीट तो मीन फूड क्रॉप भी हो सकती है कमर्शियल क्रॉप्स भी हो सकती है हर एक प्रकार की जो क्रॉप्स है उगाने के लिए जो हमारा जो नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया है उपयुक्त है तो जिस वजह से पॉपुलेशन की डेंसिटी भी आपको वहां पर ज्यादा मिलेगी आई यूज द वर्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इट मीन द नंबर ऑफ पर्सन दैट लिव इन स्क्वायर किलोमीटर एंड यू कैन से इन वन यूनिट दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ठीक है इट वेरीज प्लेस टू प्लेस यू कैन सी मीन्स कहीं पर डायनेसिटी पॉपुलेशन ज्यादा है तो कहीं पर डेनिसिटी पॉपुलेशन कम है अब पॉपुलेशन अब आप, आप खुद फाइंड आउट करोगे कि इंडिया के अंदर हाईएस्ट डेनसिटी पॉपुलेशन किस एरिया के अंदर है कौन से स्टेट में है ठीक है इन द नेक्स्ट लेक्चर यू हैव टू टेल मी द हाईएस्ट डेनिसिटी ऑफ यू कैन से द स्टेट ऑफ हाईएस्ट डेनिसिटी तो आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा ओके okay. तो नॉर्मली अगर मैं इंडिया के नॉर्थन प्लेन की बात करता हूँ या हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करते हैं जो मेजर क्रॉप है इट इज पेडी पेडी इट मीन्स राइस मेनली यहाँ पर राइस होता है सिंस द कल्टीवेशन ऑफ पेडी रिक्वायर सफिशिएंट वोटर अमाउंट सो इट इज ग्रोन इन द एरिया वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई या नॉर्मली है तो अगर हम बात करते हैं हमारा नॉर्थन प्लेन में

जूट लेट मैं टेल यू वन थिंग, अगर जूट की बात करता हूँ, जो हमारा गंगा का आप कह सकते हो मिडल कोर्स है अब एक नदी को हम तीन कोर्स में डिवाइड करते हैं एक अपर कोर्स होता है जहाँ से वो माउंटेन से निकलती है मिडल कोर्स होता है और सबसे लास्ट में जब वो समुद्र में जिमने वाली होती है उससे पहले वाला कोर्स होता है लोअर कोर्स अगर मैं बात करता हूँ मिडल कोर्स की या थोड़े से अपर पार्ट की बात करता हूँ तो वहां पर तो राइस एंड व्हीट वगैरह अच्छे से ग्रो करते हैं बट अगर मैं जूट की बात करूंगा तो जूट जो है वो केवल जोन में होता है या आप कह सकते हो लोअर पार्ट में होता है ठीक है यही कारण है कि मैक्सिमम जो जूट हमारे इंडिया में होता है वेस्ट बंगोल के अंदर होता है ओके okay, स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बनाना प्लांटेशन दे आर ऑल्सो सीन इन सम पार्ट ऑफ द प्लेन एरिया समल्सो

इसलिए स्टेपिंग स्टेप से फार्मिंग करते हैं एंड टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मिंग इट कॉल्ड टेरेस ओके किस प्रकार की वेजिटेशन होगी वो डिपेंड करता है कि लैंड फॉर्म्स किस प्रकार की है नॉर्मली अगर प्लेन एरिया है तो आपको वहां पर क्या मिलेगा एग्रीकल्चरल क्रॉप देखने को मिलेगी हाई माउंटेन जोन में जाएंगे तो आपको माउंटेनिंग अगर बात करते हैं वहां पर आपको फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलेगा ठीक है तो किस प्रकार की वेजिटेशन किस एरिया में मिलती है इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द लैंड फॉर्म्स इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया ट्रोपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रो अब ट्रोपिकल डेसिडियस में जो मेन डोमिनेटिंग ट्री है ना दैट इज टीक इसके अलावा साल एंड पीपल इट दीज आर आल्सो फाउंड इन दिस एरिया तो अगर मैं बात करता हूं हमने ट्रॉपिकल जोन की बात पढ़ी थी तो ट्रॉपिकल जोन में आपको कैसे मिले थे रेन फॉरेस्ट मिले थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिले थे बट अगर मैं इस जोन की बात करता हूं यहां पर आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं अब स्टूडेंट हमारे सामने यहां पर क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस में क्या डिफरेंस है हमें पता होना चाहिए ना इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस क्या है तो चलो इसके भी बारे में बता देते हैं ट्रॉपिकल अगर मैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करता हूं तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की हाइट भी ज्यादा होती है सेकंड थिंग एक ही एरिया के अंदर आपको डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलती है सेकंड थिंग ये हो गई तीसरी बात इनके अंदर ड्राई सीजन बहुत ही कम होता है यही कारण है कि इन एरिया के अंदर पत्ते झड़ने का जो टाइम पीरियड है दिखाई नहीं देता क्योंकि तो एक ही टाइप अलग अलग स्पीसीज का पत्ते झड़ने का टाइम अलग अलग होता है और एक जगह पर नॉर्मली हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप की स्पीसीज मिलती है इसलिए जब भी आप इन पेड़ों को देखोगे तो आपको हमेशा ये ग्रीन नजर आएंगे बट ऑन द अदर हैंड इफ वी थिंक अबाउट द डेसीडियस ट्रीज डेसीडियस ट्रीज के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज भी कम होती है ठीक है नंबर ऑफ जो प्लांट्स की होती है वो भी कम होती है सेकेंड थिंग इनके जो पत्ते झड़ने का जो टाइम पीरियड होता है सिक्स टू एट वीक का इट इज डेफिनेट मीन्स नॉर्मली होता है तो जब कभी भी इनके पत्ते झड़ते हैं तो ये जब ये लीव शेड करते हैं तो नॉर्मली सामने नजर आते हैं तो ये पत्ते झड़ने वाला जो ये सीन है ना इसकी वजह से इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ठीक है हमारे इंडिया में अगर नॉर्थन पार्ट की बात करते हैं तो मोस्टली आपको ट्रोपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं आपको मैंने इसके बारे में बताई दिया कि मेन जो मेजर पेड़ है जो आप कह सकते हो मुख्य जो डिटर्मिनेंट पेड़ है दैट इज टीक इसके अलावा साल पीपल वगैरह देखने को देखने को मिलता है ओके स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स तो इस तरीके से हमारे इंडिया में ट्रोपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं Now thick bamboo ग्रुप्स they are common in the Brahmaputra plain area. अगर मैं Brahmaputra plain area की बात करता हूँ तो thick bamboo जो ग्रुप्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे The delta area it is covered with the mangrove forest. ध्यान रखना mangrove forest जो है आपको जितनी भी deltaic जो है वहाँ पर देखने को मिलेंगे अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूंगा तो tropical एवरग्रीन फॉरेस्ट mangrove फॉरेस्ट तो mangrove फॉरेस्ट जो होते हैं ये खासकर आपको दलदली वाले क्षेत्र में मिलते हैं ठीक है इनके अंदर अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम पार्ट इनका पानी से टच होता है तो इसीलिए इनकी जो रूट है अलग अलग जगह पर निकल जाती है इसलिए आप इनकी पर्टिकुलर रूट को भी नहीं पहचान पाते ठीक है।, है तो जो डेल्टा एक जोन है वहां पर आपको मैनग्रूव फॉरेस्ट देखने को मिलती है ठीक है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है दैट इज कॉल्ड सुंदरवन डेल्टा एंड सुंदरबन डेल्टा नाम क्यों पड़ा यह भी बता देता हूं आपको क्योंकि तो इसके अंदर एक सुंदरी नामक पेड़ मिलता है दैट इज यू कैन से वेरी वैल्यूएबल फॉर द मेकिंग फर्नीचर तो इसीलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है एंड वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा माना जाता है ठीक है मैक्सिमम पार्ट इसका बांग्लादेश में है कुछ पार्ट हमारा इंडिया में भी है इन द पार्ट ऑफ द उत्तराखंड सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश दीज आर द माउंटेनिंग जोन एरिया तो आपको यहाँ पर कोनीफिस्ट ट्रीज मिलेंगे ठीक है जिसके अंदर पाइन दीज आर दीज ट्रीज आर सीन इन दीज फॉरेस्ट एरिया रीजन क्या है बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशन आर देयर तो स्लो एंड स्लोपिंग भी है स्टीप स्लोप है तो इसी वजह से यहाँ पर आपको ट्रीज देखने को मिलते हैं ओके okay? तो इस प्रकार के अगर मैं वेजिटेशन की बात करता हूं तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वेजिटेशन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म ठीक है तो लैंडफॉर्म किस प्रकार का है तो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वहां पर आपको किस प्रकार की वेजिटेशन देखने को मिलती है

क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फॉर्म्स के ऊपर ओके okay. अब बात करेंगे की, किस प्रकार के जानवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं अगर मैं की बात करता तो डिफरेंट टाइप की जो जानवर है देखने को मिलते हैं एलिफेंट्स टाइगर डियर मूंग कॉमन इवन वन ओन होन राइनोसियउंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन काजरंगा नेशनल पार्क है आसाम के अंदर सबसे ज्यादा वहां पर देखने को मिलता है इन द डेल्टाइक एरिया बेंगोल टाइगर क्रोकोडाइल्स एलिगेटर्स दीज आर ऑल्सो फाउंड एंड इवन दू कैन सेन सी आपको रिवर जो है uh, sorry, रिवर के अंदर, आपको दोनों की फिश देखने को मिलेगी ठीक है जो हमारे उसके अंदर रहते हैं साल्ट सा, वाटर के अंदर रहने वाले मीन्स ओशनिक जोन में रहते हैं सॉरी ओशनिक जोन में रहते हैं और जो आपको रिवर में मीन्स फ्रेश वाटर वाले भी मिलेंगे आपको उस तो तरीके से आपको विभिन्न प्रकार के एक्वेटिक लाइफ मीन्स पानी में जल में रहने वाले जीव भी देखने को मिलेंगे मोस्ट पॉपुलर वेराइटी एंड हिलसा दीज आर द दीज ऑफ द फिश ठीक है इसके अलावा फिश एंड राइस इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस एरिया ठीक है ये मैक्सिमम कुछ एरिया की आप डाइट कह सकते हो कि फिश एंड राइस ठीक है वो खाना बहुत पसंद करती हैं तो खासकर वेस्ट बंगाल के साइड में अगर हम बात करते हैं उड़ीसा के पार्ट में थोड़ा सा थोड़ा सा बिहार के पार्ट झारखंड के पार्ट में बात करेंगे तो दीज पीपल लाइक टू ईट दीज तो देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ कैसे मिली है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं ठीक है ये फिशरमैन के बारे में डिस्कस किया गया कि उसने अपना लाइवलीहुड का सोर्स जो क्या किया वो लाइवलीहुड का सोर्स उसने फिश को किया मीन्स फिशिंग को किया है तो स्टोरी को आप खुद पढ़ लेना स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं है अगर हम बात करते हैं Plain area की बात करता तो आपको बड़ी बड़ी सिटीज और टाउन देखने को मिलते हैं जैसे कि अलाहाबाद कानपुर वाराणसी जिसको बनारस कहते हैं लखनऊ पटना कोलकाता दीज आर places जो कि लार्ज अगर हम बात करते हैं लार्ज टाउन एंड बिग सिटीज हैं और यहाँ पर आपको जो पॉपुलेशन है नियर अबाउट एंड मोर देन आपको देखने को मिलती है, है? ठीक अबाउटन इन दीज रिवर्स दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ द रिवर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन का यह सबसे इम्पोर्टेंट रीजन माना जाता है फोर वेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप इन द गंगा ब्रह्मपुत्र अगर मैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करता हूँ तो आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी मिलती है अगर इस प्लेन एरिया की बात करता हूँ तो आपको रोडवेज और रेलवेज इन दोनों को नेटवर्क मिलता है जिसकी वजह से पीपल एंड गुड्स दे कैन ट्रांसपोर्ट एंड दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इफ यू थिंग अबाउट द वाटर वेज इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आल्सो ठीक है जो की रिवर के माध्यम से किया जाता है ठीक है इसके अलावा कोलकाता इट इज इंपोर्टेंट पोर्ट ऑफ द रिवर हुगली रिवर हुगली के ऊपर एक इंपोर्टेंट पोर्ट है और पोर्ट क्या होती है जहां से हम क्या कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड भी कर सकते हैं सामान को उतारना चढ़ाना बाई शिप ठीक है इसके माध्यम से शिप के माध्यम से हम ट्रेड कर सकते हैं तो अगर मैं वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता की बात करता हूँ इट इज द कैपिटल ऑफ कोलकाता ऑल्सो तो रिवर हुगली के ऊपर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट मानी जाती है ठीक है एंड तो हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट uh, फैसिलिटीज में रोडवेज रेलवे एंड इंटरनेशनल दोनों अगर बात करते हैं uh, हर एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इजिली यहां पर मिलता है तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दे आर बेटर इन दिस एंड टूरिज्म इंपोर्टेंट एक्टिविटीज ऑन दिस बेसम बेस इन आंसर टूरिज्म ठीक है ये टूरिज्म जो इंडस्ट्री है जो कि आने वाले टाइम में ब्राइट फ्यूचर इंडस्ट्री मानी जाती है जो कि हजारों की संख्या में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री मानी जाती है तो इसको भी ये आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो रोल प्ले करता है गंगा बेसिन ऐसे ताजमहल द बैंक ऑफ द यमुना रिवर ऐसे ही इलाहाबाद ठीक है जहां पर गंगा यमुना और जो आप कह सकते हो सरस्वती इनका संगम माना जाता है उत्तर तो प्रदेश के अंदर ठीक है ऐसे ही लखनऊ ऐसे ही आसाम के अंदर काजीरंगा एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सारे कुछ सारे कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर टूरिस्ट हजारों की संख्या में हर साल इंडिया में आते हैं केवल इन प्लेस के ऊपर घूमने के लिए तो हमने क्या बताया कि जैसे कि आगरा हो गया अलाहाबाद हो गया ठीक है इसी प्रकार से जो काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी तो जो पीपल है फ्रॉम द अदर पार्ट वो यहाँ पर आते हैं विजिट करते हैं जिसकी वजह से टूरिस्ट एक्टिविटीज भी इस एरिया में बहुत ज्यादा मिलती है देखने को ठीक है स्टूडेंट्स Now, the students, this chapter is over. I think everything is clear to all of you. So, I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.